चेक कर लीजिए कि कहीं आप ये मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट कोर्स और कैरियर सिलेक्शन में। बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये 15 मिस्टेक्स मैं अपनी बुकलेट कैरियर मैनेजमेंट में से बता रहा हूँ और 2023 का नेक्स्ट एडिशन इस कैरियर मैनेजमेंट बुकलेट का 7 अप्रैल को आने वाला है। तो अपनी फ्री कॉपी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने जान लिया इन 15 मिस्टेक्स के बारे में तो डेफिनेटली आप सही कैरियर सिलेक्शन जो है उसकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। इसमें सबसे पहली आती है कि अपने टैलेंट्स के अनुसार कैरियर विषय और कोर्स को ना चुनना, टेम्परेरी इंटरेस्ट के अनुसार चुनना। जी हाँ दोस्तों, परमानेंट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, टेम्परेरी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुनना, और ऐसे टेम्परेरी इंटरेस्ट जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है, बच्चे छोटी छोटी बातों की बहुत प्लानिंग करते हैं जैसे कि बर्थडे या पिकनिक की, लेकिन जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन करियर की प्लानिंग नहीं करते हैं। थर्ड वन इज कि हमने अपने सफलता के दायरे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उनसे मिलने वाले रेप्यूटेड कॉलेज तक ही सीमित कर दिए हैं। इसमें अगला है कि सामान्यतः बच्चे समाज और परिवार द्वारा बनाई गई एक बेस्ट कैरियर लिस्ट होती है, उससे बाहर कैरियर का चुनाव नहीं करते। नेक्स्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसा काम जिसमें मजा आ रहा है उसको छोड़कर ऐसे कैरियर को बेस्ट समझ लेना जिसमें ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं और उसमें हमारा टैलेंट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम चेक नहीं करते। ग्लैमर और फैशन से प्रभावित होकर गलत कैरियर को चूज कर, बिना सेल्फ एनालिसिस के या बिना किसी साइकोमेट्रिक या बायोमेट्रिक टेस्टिंग के अपना कैरियर को चूज करना, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के अनुसार कैरियर को चुनना, 10th और 12th में जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे थे उसमें अगर सफलता ना मिले तो जो कैरियर ऑप्शन मिल जाए उसको चूज कर लेना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये जरूरी नहीं है कि आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो इंजीनियर ही बनेंगे। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं मिला है तो एक बार चेक कर लीजिए कि आप इंजीनियर बनने लायक हैं या नहीं। कुछ बच्चे जो हैं अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग अपना करियर का चुनाव कर लेते हैं कि मुझसे इतनी ही पढ़ाई हो पाएगी, मुझसे इतना ही काम हो पाएगा तो मैं ये करियर चूज कर रहा हूँ। कुछ बच्चे करंट ट्रेंडिंग ऑप्शन को सर्च करते हैं और उससे फिर करियर चूज कर लेते हैं। कुछ फैमिलीज में स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पर्टिकुलर करियर का चुनाव जो है वो किया जाता है। करियर में स्कोप एनालिसिस किए बिना ही हम अपने करियर को चूज कर लेते हैं। लास्ट टू है जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे करियर ऑप्शन का नॉलेज लिए बिना ही हम किसी पर्टिकुलर करियर को चूज कर लेते हैं। केवल एजुकेशन बेस्ड जो करियर है उन्हीं पर हम ध्यान दे रहे हैं, स्किल बेस्ड करियर को हम चूज नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपने चेक किया कि इन 15 में से कितनी मिस्टेक्स जो है वो हम अपने कैरियर सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं? कैरियर चूज करने के लिए आप मुझे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सही सब्जेक्ट कोर्स और करियर का चुनाव एक नींव का पत्थर साबित होगा आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए। तो दोस्तों, ये जो 15 मिस्टेक्स हैं ये बिल्कुल भी ना करें, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप करियर मैनेजमेंट बुकलेट की फ्री कॉपी जो है वो बुक कर सकते हैं। इसकी फ्री कॉपी लेने के लिए एजुकेशन एक्सपो 2023 जो कि होने वाला है होटल मैरियट विजयनगर इंदौर में 7 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, उसमें जरूर आइए। वहां पर आपको मिलेगा एक राइट कैरियर गाइडेंस, राइट कैरियर काउंसलिंग कैसे की जाती है, और साथ ही साथ कई यूनिवर्सिटीज के स्पॉट एडमिशन और स्कॉलरशिप जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एजुकेशन एक्सपो 2023 में अपनी सीट बुक करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर अभी रजिस्ट्रेशन करें और आपको वहां मिलेगी ये बुकलेट और साथ ही साथ मिलेंगे कई और भी दूसरे ऑफर्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस एजुकेशन एक्सपो का पार्ट बन सके। सही कैरियर का चुनाव कीजिए सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।